Yes. So let's start with our first question, MCQ questions it is. First question is, one of the major developments was the emergence of the idea of dash of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. Very good, Kumud. Yes, correct answer is, yes, Adarsh Tiwari. मैम भक्ति उत्कर्ष अग्रवाल कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, क्या हुआ उत्कर्ष? ओके यस, सो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कुछ वहां पे एक नया रिचुअल जो है या रिलीजन जो न्यू रिलीजन वहां पे जो लोग फॉलो कर रहे थे उनमें एक आइडिया आया था. कौन सा आइडिया? आइडिया ऑफ भक्ति लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें उन्हें किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं थी. वो खुद खुद की मेडिटेशन से जिस भी देवी देवता गॉड गॉडेस जिसको वो मानते हैं उनकी वो क्या करते हैं? भक्ति करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हु वर सबऑर्डिनेट्स ऑफ द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका? नीरव चालुक्या, नीरव मैम डी. यस डी, दैट इज राष्ट्रकूट. यस, ये तो हमने अभी लास्ट रिसेंटली हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था दैट राष्ट्रकूट वर दी सबऑर्डिनेट टू दी चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका के चालुक्य डायनेस्टी के सबऑर्डिनेट कौन थे? राष्ट्रकूट थे. थर्ड क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग बहुत इजी था ये. डोमेन्स ऑफ मैम, यस मैम, आप करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए इसके लिए. थर्ड क्वेश्चन के लिए डोमेन्स ऑफ, ऑप्शन डी मैम, ऑप्शन डी. यस, पृथ्वी कुमार एक बार ही बोलिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई देती है. यस, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. यस, सो एटमॉस्फेयर, डोमेन ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर के लिए करेक्ट ऑप्शन है अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, यानी एक ऐसा ब्लैंकेट एयर का जो कि हमारी अर्थ को सराउंड करके रखता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी. ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर यू नो वेरी वेल द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. ओके, तो इसको देखते हुए थर्ड का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ? अर्थ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? मैम कैन आई? यस कुमुद गुप्ता. इट इज डायनेमिक केव्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड. वेरी गुड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस दैट इट इज अ डायनेमिक कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. यानी जो हमारी अर्थ है उसमें इनसाइड भी चेंजेस होते हैं एज वेल एज आउटसाइड भी चेंजेस कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, उत्कर्ष अग्रवाल. मैम के नहीं, उत्कर्ष अग्रवाल. यस, रिपीट योर आंसर उत्कर्ष. मैम एपिसेंटर. वेरी गुड, दिस इज एपिसेंटर. ग्रेटेस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर. एपिसेंटर क्या होता है? जो फोकस है उसके जस्ट ऊपर का सरफेस, अर्थ की सरफेस पे. फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वाइब्रेशन स्टार्ट, राइट? और उसके जस्ट ऊपर या वर्टिकली ऊपर की तरफ जो पोजिशन है, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो अर्थ के सरफेस पे जो सेंटर है दैट इज एपिसेंटर. तो एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है क्योंकि वहां पे वाइब्रेशंस काफी स्ट्रांग होते हैं. तो दिस इज बी, एपिसेंटर. ओके, सो दीज वर दी एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर यू पीपल. आई डोंट थिंक किसी का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा. किसका क्वेश्चन गलत हुआ इसमें से? मैम माय ऑल आर करेक्ट. All are correct. Very all good. Are correct. Very all good. Are correct. Now coming to true and false. Ma'am, all are correct. Very good, beta. First question from true and false.
सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल मणिपुर एंड कश्मीर। ये कैन आई नहीं बोलना है, मैं एक एक करके सबका नाम लूंगी यहाँ से। यस पृथ्वी कुमार मैम फॉल्स। फॉल्स वेरी गुड। व्हाई इट इज फॉल्स एंड व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? अगर फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट भी तो पता होना चाहिए कि क्यों, क्या रीजन है फॉल्स का। मैम वो नॉर्थन नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट पे करता था और ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट में आता है और वो नॉर्थ वेस्ट में करता था। नॉर्थ वेस्ट में कौन से पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट थे जहाँ पे इन्होंने रूल किया था? कोई पर्टिकुलर रीजन नवीन? मैम हरियाणा, मैम कश्मीर। नो यस उत्तर। मैम गियासुद्दीन बलबन ने मैम कभी भी राज नॉर्थ में करा ही नहीं है। ओके तो कहाँ करा है? उनका राज रहा है वेस्ट ईस्ट एंड साउथ। यस तो बंगाल में बेसिकली असम मणिपुर और कश्मीर में बलबन ने एम्पायर जो था कंट्रोल कभी किया ही नहीं। इसका कंट्रोल था बंगाल गजनी जो कि अफगानिस्तान में है और साउथ इंडिया के मोस्टली जो रीजन थे वहां पर सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने अपना कंट्रोल किया था या अपना रिलीजन वहां पे सेटअप किया। अंडरस्टूड? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट का स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हु विल टेल? सुनिधि पराशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवट डिफीटेड द किंग्स ऑफ आंध्रा सेन विराभा कलिंगा कन्नौज गंगा एटसेट्रा। इट इज ट्रू और फॉल्स? मैम फॉल्स। इट इज फॉल्स? नो। काव्या? मैम ट्रू। इट इज ट्रू। अरे नागवट की हमने प्रशस्ति पढ़ी थी एग्जांपल में। यस मैम ट्रू। टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो। यस मैम इट इज ट्रू। ठीक है। अरे हमने प्रशस्ति पढ़ी थी ना कि प्रशस्ति में काफी प्रेस करके लिखा जाता है रूलर्स के बारे में किंग्स के बारे में, तो उसमें yes, एक तो था हमने नागभट्ट का। यस मैम। अभी जो मिस्टेक्स हो रही है जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं बच्चों के नेक्स्ट टाइम एग्जाम में नहीं होने चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा जिसमें ये सारे चैप्टर्स भी इंक्लूडेड होंगे। ओके तो अभी जो मिस्टेक हुई है डू करेक्ट देम, रेक्टिफाई करें सभी अपनी मिस्टेक्स को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन सी, द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। यस आदर्श। मैम फॉल्स बिकॉज़ इट इज एक्सोजेनिक। फॉल्स मैम। फॉल्स व्हाई? व्हाट इज मैम? फॉल्स मैम बिकॉज द फोर्सेस विच एक्ट एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज एक्सोजेनिक। यस और यू कैन से द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस नॉट एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इक्वालिटी एंड प्रोहिबिट्स any kind of social discrimination. Kavya? Ma'am, true. True. Naveen? Ma'am, true. Yes, true. Article 15 हमने पढ़ा था जिसके ये mention है कि हर व्यक्ति को equally treatment, equally treat किया जाएगा, किसी के साथ कोई discrimination नहीं होगा, सभी को equal opportunities provide की जाएंगी. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दिस इज फॉर रितेश कुमार, केरला गवर्नमेंट गेव इट 60% बजट टू पंचायत। नो मैम 40%। 40% यस दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स क्योंकि 60% बजट नहीं दिया था, 40% बजट वॉज गिवन टू दी पंचायत बाय दी केरला गवर्नमेंट। तो इसमें कोई क्वेश्चन में क्वायरी किसी को? No, ma'am. Okay, no, ma'am. तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि 10 मार्क्स तो सभी स्टूडेंट्स के कंफर्म हो चुके हैं, है ना? नेक्स्ट कमिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स,
यस फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट था, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कदम्बा मयूर शर्मा एंड दी गुजर प्रतिहार हरीश चंद्र वर डैश हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म। यस उत्कर्ष। मैम ब्राह्मण्स। यस दे गुजर प्रतिहार और जो कदम मयूर शर्मा है ये कौन थे? ये ब्राह्मण थे। हरिश्चंद्र जो था वो ब्राह्मण था। उन्होंने उनका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था जो कि टीचिंग या अपने जो टैंचिंग जिसको बोलते हैं ये सब चीजें इनका प्रोफेशनल ट्रेडिशन था। इनका काम था दूसरों को नॉलेज देना, ठीक है, संस्कृत में प्रशस्ति लिखना। लेकिन इन्होंने अपने प्रोफेशनल ट्रेडिशन को क्या किया, गेव अप कर दिया, उसे छोड़ दिया और क्या क्या बने ये क्षत्रिय बने, ये रूलर्स बने। ओके सो दे वर ब्राह्मण्स। मैम नेक्स्ट मैम ब्राह्मण्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। वेरी गुड इट इज हाइड्रोस्फीयर। मैम हाइड्रोस्फीयर हाँ ये तो सभी को आता ही है। हाइड्रोस्फीयर मैम। हाइड्रोस्फीयर ओके ब्राह्मण्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ प्रिया मीना। प्रिया मीना विल टेल नोबडी प्रिया मीना रिपीट योर आंसर प्रिया। रेड स्टोन। रेड स्टोन नो मैम रेड सैंड स्टोन्स। एनी अदर मैम रेड सैंड स्टोन। आदर्श तिवारी व्हाट इज योर आंसर। मैम रेड स्टोन। अरे रेड स्टोन नहीं रेड सैंड स्टोन। सैंड स्टोन इज अ टाइप ऑफ स्टोन। यस मैम। अगर किसी बच्चे ने सैंड स्टोन लिखा है दैट इज आल्सो करेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने रेड सैंड स्टोन लिखा है दैट इज आल्सो करेक्ट। लेकिन रेड स्टोन इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके रेड स्टोन तो हमने पढ़ा ही नहीं। सैंड स्टोन पढ़ा था हमने इग्नीशियस रॉक्स में। यस मैम पढ़ा था। मैम मैंने रेड सैंड स्टोन लिखा है तो गलत है क्या? नहीं करेक्ट है। सैंड स्टोन लिखा हुआ जरूरी है। अगर आपने सैंड स्टोन लिखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इफ यू हैव रिटन रेड सैंड स्टोन दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मैम मैंने रेड सैंड स्टोन लिखा है। ओके नो प्रॉब्लम दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम मैंने रेड सैंड स्टोन लिखा है। ओके चिराग। द इंडियन डैश रिकॉग्नाइजेज एवरीवन एज इक्वल। रितेश कुमार। मैम कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड इट इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रिकॉग्नाइजेज ईच एंड एवरी पर्सन एज इक्वल। मैम ये वाला मेरा गलत है। क्यों क्या लिखा आपने इसमें? मैम डायनेस्टी। नहीं इंडियन डाइवर्सिटी ऐसा कैसे थोड़ा तो चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए है ना। इट इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सभी को ईच एंड एवरी पर्सन गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी। चिराग अमरावत एक जगह बैठ जाओ अपना कैमरा स्टेबल रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ई डैश परसेंट ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर वॉटर बॉर्न। 21% 21% प्रिया मीना। प्रिया मीना व्हाट्स द आंसर फॉर द ई सेंटेंस। दीपांशु व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग टुडे? यस इट इज 21% करेक्ट वन। दिस इज ऑल्सो दीज आर दी फिल इन द ब्लैंक। ओके we have completed till here. now the description question comes. ab description questions discuss karte hain hum. yes
तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट दंती दुर्ग। कृष्ण ये बड़ा हाथ खड़ा किया। द फर्स्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इनिशियली ही वाज सबोर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। ही ओवरथ्रू हिज ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड हिरण्यगर्भा द गोल्डन बॉम्ब टू रीबर्थ एज अ क्षत्रिय। वेरी गुड चिराग। चिराग ने एक ही सांस में पूरा का पूरा आंसर बोल दिया है। वेरी गुड चिराग, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर है। एंड दिस इज इनफ फॉर टू मार्क्स क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स। यस काव्या, मैम एक बार मैं बोलूं क्यों? क्या काव्या, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। मैम मैं बता सकती हूँ क्या मेरा आंसर? हाँ बोलो बोलो। Dantidurga, also known as Dantivaram, was the founder of the Rajputas empire of many. His capital was Kalbagra region of Karnataka. His successor was his uncle Krishna I, who extended his kingdom to all Karnataka. Okay, this is also correct, but this is not the language of the textbook. Textbook में हमने कुछ और पढ़ा था Dantidurga के बारे में। चिराग ने जो बोला है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास आल्सो। काव्या ने शायद कहीं और से थोड़ा सा रेफरेंस लेके क्वेश्चन का आंसर लिखा है, बट नो प्रॉब्लम। यस मैम एक बार मैं यस उत्कर्ष प्लीज से योर आंसर। दुर्गा वाज अ ब्राह्मण हु परफॉर्मड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा व्हिच विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स एंड ही मेड वो खुद ही एक ब्राह्मण है। आपने स्टार्टिंग यहाँ से की, फिर आप बोल रहे हो कि उसने ब्राह्मण की हेल्प से ही हिरण्यगर्भ जो रिचुअल है वो परफॉर्म करवाया। पहले इस सेंटेंस को बिल्कुल क्लियर करो। ओके अंजलि मीना। यस मैम। यस टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Ma'am, my one is different from the book. Yes, tell your answer. Ma'am, my one is Dantidurga, also known as Dantivarman, was the founder of the Rashtrakut Empire of Manyakheta. His capital was based on Galbagra region of Karnataka. Same answer jo Kavya ne diya, wahi hai aapka bhi. Theek hai, thoda bahut correct hai. Dekha jayega. I will copy check karungi. Then I will tell you. Yes, so basically, जो दंतीदुर्ग है, he was the राष्ट्रकूट, he was a राष्ट्रकूट chief in Deccan. Deccan plateaus जो थे, वहाँ का एक राष्ट्रकूट का क्या था? Chief था ये. Initially, राष्ट्रकूट were the subordinates to the Chalukyas of Karnataka. दंतीदुर्ग in the mid 8th century overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual known as Hiranyagarbha. It was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even he was not the one by birth. This is the complete answer and this is enough. Very good, Hiral Maurya. Correct one. I can read your answer. Okay, coming to the next question. Ninth question is, which are the major components of the environment? Ma'am, major components of environment are natural and man-made phenomena. Natural and man-made phenomena are the components of the environment. There are four major components of the environment: atmosphere, lithosphere, hydrosphere, and biosphere. They are interdependent on each other. Ritesh Kumar, जो अभी आपने आंसर बोला ना, hydrosphere, biosphere, these are the domains of environment. Here, the question is asking for the components of environment. दोनों में क्या confusion है आपको? Ma'am, can I tell? Yes, Prithvi Kumar. Yes, ma'am. There are two major components of environment. First is natural, and in this natural environment, all plants, air, animals, land, and water comes. And second one is human made. In this, buildings, parks, roads, etc. comes. Acha. Third component is human. Yes, ma'am. There are three major components of the environment. They are natural component, man-made component, human component. They are interdependent on each other. Very good. This is the only correct answer. There are three major components. Ye hydrosphere, biosphere, jisne likha hai, ye domains hai environment ke. And these are four. Kitni baar to revise karwaya aapko ye cheez?
कि इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. देर आर थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, ह्यूमन मेड, नेचुरल एंड ह्यूमन. ह्यूमन में जो सोसाइटीज होती हैं, जो इंक्लूड होती हैं ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में. मैम यस चिराग मैम, अगर किसी ने मतलब ह्यूमन मेड और नेचुरली लिखा है तो उसका गलत है. हाँ गलत है ऑब्वियसली. आपकी टेक्स्ट बुक में क्या गिवन है? थ्री कॉम्पोनेंट गिवन है. टेक्स्ट बुक ओपन करो, क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन का जो सेकेंड पेज है वहीं पे आपको दिखेगी ये चीज. यस मैम. तो फिर आपने गलत क्यों किया? इस क्वेश्चन से तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन कोई बच्चा गलत नहीं करेगा. कोई बात नहीं, गलत हो गया, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टाइम से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे. डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट आर द डिफरेंट थिंग एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट आर द डिफरेंट वन. ओके मैम, अभी आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं. सोशल साइंस अटल्स टेक्स्ट बुक इज आर एनवायरमेंट. Yes, I am sharing my screen. Just see it and conclude which is the correct answer. Here you can see components of environment. दिख रहा है यहाँ पे कुछ? Yellow circle. Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Natural, human made, and human. Okay, so this is the correct one. That three components of environment are there: human made, human, and natural. Okay. नो प्रॉब्लम, जिसका रॉन्ग है नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं करेंगे. ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर मिनरल्स, हाउ आर दे यूजफुल फॉर मैनकाइंड? हु विल टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? नो, सुमित गुप्ता हो गया. यस सुनिधि पराशर. मैम, द नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कम फ्रॉम इनसाइड आवर अर्थ are useful to us are called minerals. There are lot of minerals that we use, like petrol for vehicles, LPG for cooking, copper for making wires, etc. Yes, correct one. So minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. These are known as minerals. Chirag, don't unmute yourself when I am talking, don't disturb the class. Okay, so what are the uses of these minerals? Minerals क्या होते हैं? Coal है, petroleum है, ठीक है, iron है, जो भी चीजें हमें natural earth से मिल रही है, these all are minerals. So coal or natural gas, petroleum are used as fuels. Okay, and iron, aluminium, these all things can be used in industry. Okay, fertilizers also you can mention here. Ma'am, I have written differently. Yes, Kumud, please say your answer. Minerals are the natural mass which is present in rock. The uses of minerals are they are used to make medicines and fertilizers. Some minerals are required for our good health. Yes, correct one. This is also correct. There are a lot of uses of these minerals. Ma'am, I have written. Okay, next question. Ma'am, can I tell? Mam, minerals are those rocks or part of rock which contain some of definite composition and physical properties. They are naturally occurring substance. They are useful for mankind for making gems, roads, houses, buildings, etc., which are very useful for us. Yes, this is also correct, ma'am. Can I tell? आपका जो content है वो same चीज है. Minerals are basically the natural occurring substances जो कि earth में present है. तो आप उसकी language को अपने अपने तरीके से modify करके लिख सकते हो, no problem. But definition जो है that is correct. सभी की definition बिल्कुल same है. Okay, coming to the next question. What is earthquake? What are some common earthquake prediction methods? Ma'am, can I tell? Yes, Naveen.
When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate. These vibrations are known as earthquake. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people, including studying animal behavior, fish in the pond get educated, snakes came to the surface. Yes, very good. Correct. When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. These vibrations can travel all around the earth. And these vibrations are known as earthquake. And the prediction methods are studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, and snakes comes out on the surface of the earth. So these are some prediction methods. Correct one. Ma'am, I have written differently. अरे चिराग बेटा, differently कुछ भी नहीं है, सब same है, बस आपकी language थोड़ी सी different है. Ma'am, yes, ma'am. Prediction अलग लिखे हैं. क्या क्या कुमुद, क्या कह रहे हो? मैम, मैंने प्रेडिक्शन अलग लिखे हैं. क्या प्रेडिक्शंस लिखे हैं आपने? मैम, जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए? गो टू ओपन ग्राउंड. इफ यू कैन नॉट गो टू ओपन ग्राउंड, वो क्वेश्चन दूसरा था. यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन मेथड पूछे. प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी करना. मैम, चलेगा कैसे, अंदाजा लगाएंगे कि अर्थक्वेक आने वाला है. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन लिख दिया है, टू स्टडी द एनिमल बिहेवियर. ठीक है, कोई बात नहीं. इसमें हम फिश भी ले लेंगे और स्नेक्स भी ले लेंगे, एनिमल्स, कोई बात नहीं. क्योंकि ये क्वेश्चन दो मार्क्स का था, तो एक मार्क्स में अगर आप अर्थक्वेक की डेफिनेशन लिखोगे और एक अगर प्रेडिक्शन मेथड लिखोगे, दैट इज ऑल्सो इनफ. मैम, मैं बताऊं? मैम, मैं बताऊं? नहीं चिराग, हो गया बेटा, अभी नहीं तो टाइम अप होने वाला आपका. तो कुमुद गुप्ता, दो क्वेश्चन थे बेटा यहाँ पे, 15 क्वेश्चन, जहाँ पे आपको प्रिपेयर्डनेस बताना था. यहाँ पर आपको लिखना था कि क्या सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हो या किस तरह से आप रेडी हो सकते हो अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो. ठीक है, तो प्रिडिक्शन और प्रिपेयर्डनेस में दोनों में डिफरेंस है. ओके कुमुद, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर अबाउट इक्वालिटी इन आवर कंट्री? मम्मी, नवीन, नो सॉरी, अंजलि मीना. अंजलि मीना विल टेल मी. यस मैम. यस, टेल मी द आंसर फॉर द 12th क्वेश्चन. व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर अबाउट इक्वालिटी इन आवर कंट्री? ओके मैम, कांता इज अ पुअर डोमेस्टिक वर्कर. शी लिव्स इन अ स्लम व्हिच इज वेरी फिल्थी. हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट स्किप हर वर्क because she needs to borrow money from her employer to take her daughter to the doctor. Yes. बस इतना ही लिखा है. Yes, she, yes, Naveen. Kanta is a poor domestic worker. She lives in a slum which is very domesticated worker नहीं, domestic worker होगी. Her daughter is sick but she cannot skip her work because she needs to borrow money from her employers to take her daughter to the doctor, but they skip their work. This ensures equality in our country. Yes, very good. यहाँ inequality जो हुई थी कांता के साथ, जब उसकी daughter जो बीमार हुई थी, वो उसको hospital दिखाने के लिए एक दिन अपने काम से off भी नहीं ले सकती थी, छुट्टी नहीं ले सकती थी. ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस थी जहां से कांता को ये श्योरिटी हुई कि हमारे कंट्री में इक्वालिटी शायद कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है. चिराग अमरावत, आपका कैमरा इतना एनोइंग क्यों है? कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम. मम्मी, आदर्श तिवारी. मैम, कैन आई? आदर्श तिवारी. मैम, कैन आई? रितेश, मैंने अभी एक स्टूडेंट का नाम लिया है ना, तो प्लीज हैव पेशेंस. आदर्श तिवारी, द मेन फैक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम आर द प्रोवाइड्स इक्वालिटी. Equal. One minute. आपकी वॉइस नहीं आ रही है. ओके रितेश, यू कैन टेल नाउ. यस मैम, द मेन
Public health systems are provided quality services either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. Yes. Action to prevent the spread of disease such as tuberculosis, malaria, jaundice, etc. Ma'am, can I tell? Okay. But our same sentences are, time is also yes, ma'am. Limited. Yes, ma'am. मैंने भी यही लिखा है. Okay, very good. Yes, so public healthcare system जो है, उसके main features ये है that it provides treatment to each and every person at free of cost or at very low cost, so that even poor can seek the treatment. Second feature हम ये लिख सकते हैं that it takes action, यानी कुछ ना कुछ campaigns या कुछ schemes ऐसे launch की जाती हैं जहाँ से diseases के spread को prevent किया जाता है या रोका जाता है, जैसे पोलियो के लिए या ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीनेशंस जो होते हैं, दैट ऑल आर कंडक्टेड बाय द पब्लिक हेल्थ सिस्टम. नेक्स्ट वी कैन राइट दैट दिस सिस्टम इज अवेलेबल इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरिया, यानी दोनों जगह पर इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु वाज कंसीडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट. मैम, कैन आई टेल? नो काव्या, आपने बहुत से आंसर्स दिए. यस उत्कर्ष. यस मैम. द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड टू रेफर द टू एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन एनी विलेज. द वर्ड परदेसी एंड अजनबी फॉर सिंबायोनिस ऑफ द वर्ड फॉरेनर. यस करेक्ट वन. सो फॉरेनर इज द वर्ड बेसिकली यूज्ड फॉर सम स्ट्रेंजर इन एनी विलेज, यानी किसी भी विलेज में कोई स्ट्रेंजर है बेसिकली उसके लिए हम फॉरेनर वर्ड को यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस. कुछ बच्चों को थोड़ा परेशान किया था ये क्वेश्चन. यस नवीन कुमार. प्रिपेयर्डनेस मेजर्स कैन रेंज फ्रॉम सिक्योरिंग हैवी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरल all modification and storing supplies to have insurance and emergency kit and evacuation plans. Ma'am, can I tell please? Yes, Kavya, yes. Please. Ma'am, first option is drop down and take cover under a desk or table. Very good. Second option, if you are in bed, hold on, stay there. Okay. Third sentence, stay away from windows and light fixtures. Okay, very good. Fourth sentence, stay inside until the shaking stops and it is safe to exist. Okay, very good. All the four statements are very true and correct one. So basically, jab earthquake aata hai, to hume khud ki safety kaise karni chahiye? During an earthquake, we should shift to some safer place. Kisi safe place pe hume shift hona chahiye. Secondly, hide under a kitchen counter or under a table or near the desk. इसके पास हमें छुप जाना चाहिए और inside the corner of the wall. Next is stay away from fireplaces, areas around chimneys, windows, glasses, these kinds of things. Next is the most important one. We have to spread awareness about these natural disasters among our friends and family members. Okay? Two questions are left now. Let's complete it. What are the activities associated with Chola temples? Yes, Sunidhi. Ma'am, Chola temples had a lot of practices in their Sunidhi, can you speak a little louder? I am unable to hear you properly. Okay, ma'am. First one is they made a lot of crafts. Second, they used to make bronze images for temples. Third, they also had very good garland makers. Fourth, dancers and musicians also practiced for performing in temples. Okay. So they also had sweepers. That is not the correct answer, Sunidhi. We are not. You have to describe about garlands and
your first sentence is the correct one. The sculptures used to make bronze sculptures and the garland makers, ये सब इसमें नहीं आएगा. मेन फीचर्स क्या थे सोलर टेम्पल्स के, दैट इज आस्किंग. और क्या क्या एक्टिविटी मैम, कैन आई कोई और रितेश, डू यू वांट टू आंसर? मैम आई वांट टू आंसर. यस मैम. यस, टेल मी द आंसर. टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. Apart from the priest, we find a number of people who engaged in various activities were associated with a Chola temple. There were garland markets, cooks, sweaters, musicians, dancers, craft people, etc. Very good. बेटा आपके कुछ सेंटेंसेस रॉन्ग थे सुनिधि. सारा क्वेश्चन सारा आंसर आपका रॉन्ग नहीं है. आपने एक सेंटेंस बोला गुड गार्लैंड मेकर्स थे, गुड डांसर्स थे, वो सब नहीं. दिस चोला टेम्पल्स इज नॉट द प्लेस फॉर वर्शिप ओनली, इट इज बेसिकली द इकोनॉमिक हब. वहाँ इकोनॉमिक हब था, ये सभी लोग जो थे अपनी लाइवलीहुड को यहाँ से चलाते थे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस चीज को आपको हाईलाइट करना था यहाँ पे. ठीक है, okay, this is enough for this question. Coming to the next one. Challenges faced by Indian healthcare system. Ma'am, can I? Yes, Navi. One of the most pressing problems on India remains service sorting of trained manpower in medical stream. This includes doctors, nurses, pre-medicines and primary health care centers, and there are less number of hospitals in rural area. The people of rural area do not get clean water, and by this they get affected by diseases. Okay, very good, Naveen Kumar, your answer is